एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटनी आइडल। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बातें करेंगे ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट के बारे में, यानी कि 7 अप्रैल 1997, यानी कि 24 साल पहले रिलीज हुई प्रोड्यूसर डायरेक्टर राकेश रोशन की फिल्म कोयला के बारे में। ये फिल्म बांद्रा के किसी सिनेमा में रिलीज नहीं हुई थी, तो ये फिल्म मैंने माटुंगा के सिटीलाइट सिनेमा में देखी थी 24 साल पहले। ये रहा 24 साल पहले पुराना टिकट, सर टिकट रेट वॉज 16 रुपीज 50 पैसे, 16 रुपया 8 आना वॉज द टिकट रेट 24 साल पहले। सबको पता है कोयला पिक्चर में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, अमरीश पुरी, मोनिश बैल, जॉनी लेवर, बहुत सारे दूसरे कलाकार भी थे। तो ये फिल्म जब रिलीज होने वाली थी तो इसका प्रोमो एकदम धमाकेदार निकाला था। इतना धमाकेदार ट्रेलर था कि लोगों को ये ट्रेलर धमाकेदार लगा। स्पेशली वो एक सीन में जब शाहरुख खान पूरे बॉडी को अंगार लगा कर भागते, वो सीन प्रोमो में दिखाया तो लोग पागल हो गए। एंड शाहरुख खान वॉज अ राइजिंग स्टार, उनकी फिल्म धड़ाधड़ सुपरहिट हो रही थी। तो जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोग एडवांस बुकिंग पे टूट पड़े, सब जगह पिक्चर एडवांस बुकिंग में हाउसफुल हो गई थी। और फर्स्ट डे जब ये फिल्म रिलीज हुई द मूवी गॉट अ हिस्टोरिकल ओपनिंग, ऑल ओवर इंडिया ये पिक्चर हाउसफुल थी, सब जगह ये पिक्चर हाउसफुल थी और धमाकेदार ओपनिंग मिली। क्योंकि इस पिक्चर के जो गाने थे वो सुपर डुपर हिट हुए थे, उसके गाने लिखे थे उसका म्यूजिक दिया था राजेश रोशन जी ने और म्यूजिक सुपर डुपर हो गया था, सभी गाने अच्छे थे। तो ये भी एक कारण था कि पिक्चर को ओपनिंग धमाकेदार लगी थी। ऑफकोर्स शाहरुख खान वॉज देयर ओनली, माधुरी दीक्षित भी वॉज देयर, तो ये कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त था कि हिस्टोरिकल ओपनिंग मिल गया पिक्चर को। और जब फिल्म शुरू हुई, लोग अंदर गए, शुरू हुई फिल्म, शाहरुख खान की एंट्री हुई, जब शाहरुख खान भागते हो अमरीश पुरी के जो कुत्ते लोग होते उनके पीछे भागते, तो लोगों ने बहुत सीटियाँ बहुत तालियाँ बजाई। फिर गाने में भी लोगों ने बहुत सीटियाँ बजाई, तो पब्लिक को शाहरुख खान का काम बेहद पसंद आया, माधुरी दीक्षित का भी काम लोगों को बेहद पसंद आया, अमरीश पुरी का काम भी अच्छा लगा, ऑफकोर्स जॉनी लेवर का काम भी लोगों को बहुत पसंद आया। इस पिक्चर में शाहरुख खान एक गूंगे का रोल करते हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे फिल्म प्रोग्रेस होती गई, पब्लिक का इंटरेस्ट कम होता गया, क्योंकि ये पिक्चर की जो स्क्रीन प्ले थी, आई थिंक सचिन भौमिक जी ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा था और अनवर खान थे शायद, इन्होंने स्क्रीन प्ले पिक्चर का लिखा था, वो स्क्रीन प्ले एकदम लूज था, पब्लिक को भान नहीं पाया और वो पब्लिक का इंटरेस्ट नीचे आने लगा। और इंटरनल पॉइंट पे जब शाहरुख खान का गला काटते अमरीश पुरी, तो शाहरुख खान ऊपर से गिरते जंगल में, किधर गिरते, फिर वहाँ पर कोई एक्टर है राम मोहन नाम का, वो उनका गला सी देता है और बाद में शाहरुख खान की आवाज़ आ जाती है, तो लोग इतने हंस पड़े थिएटर के अंदर। इसके डायरेक्टर राकेश रोशन ने साइंस को भी पीछे कर डाला, एक गला सीने से आवाज़ आ गई, मीन्स दिस वॉज द लिमिट। तो लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आई। सिर्फ क्लाइमेक्स में जो सीन था वो शाहरुख खान अंगा लगे भागते, वहाँ पर लोगों ने बहुत सीटियाँ बहुत तालियां बजाई, शाहरुख खान के फैंस ने स्क्रीन पे पैसे भी फेंके, लेकिन उनको भी ये फिल्म पसंद नहीं आई क्योंकि द मूवी वॉज नॉट अप टू द मार्क। जो ट्रेलर में उनको दिखाई दिया वो पिक्चर में उतना मज़ा नहीं आया, तो ये फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई। हालांकि पिक्चर की ओपनिंग धमाकेदार थी, हिस्टोरिकल ओपनिंग थी, तो फर्स्ट 3 डेज पिक्चर सब जगह हाउसफुल थी। मंडे से ये पिक्चर ड्रॉप होना शुरू हो गई, लेकिन फर्स्ट 3 दिन का जो धंधा था वो इतना धमाकेदार था कि वो पिक्चर लॉस में नहीं गई, पैसे कवर हो गए, कुछ प्रॉफिट कुछ खास नहीं मिला, लेकिन बस एवरेज फिल्म हो गई बॉक्स ऑफिस में उस हिस्टोरिकल ओपनिंग की वजह से। बाद में मंडे से पिक्चर ड्रॉप हो गए और पिक्चर खत्म हो गया बाद में। तो दीज आर माई व्यूज, माई ओपिनियंस अबाउट, मेरा आंखों देखा हाल अबाउट कोयला फिल्म विच वॉज रिलीज 24 ईयर्स बैक ऑन 7 अप्रैल 1997 में। इस पिक्चर में अगर आप आज देखोगे तो आपको आज शायद ठीक ठाक लग जाएगी, कुछ कुछ सीन बहुत अच्छे हैं पिक्चर में, लेकिन ओवरऑल ये पिक्चर उतनी अच्छी नहीं है। सो गाइज, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन इज बॉबी सिंह, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।